हेलो स्टूडेंट्स, आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और उसमें हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स का जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, देखिए आज का डेरिवेशन है हमारा, एक समान आवेशित रिंग के अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का टॉपिक, एक समान आवेशित रिंग के अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड। माने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। चार्ज्ड रिंग बनाते हैं, ये देखिए चार्ज्ड रिंग हो गई, ये रिंग है चार्ज, आवेशित रिंग है, और इस पर कुल आवेश, रिंग पर कुल आवेश हम यहां लिख देते हैं, रिंग पर कुल आवेश Q है। कुल आवेश इस पर Q है, टोटल आवेश इस पर Q है, प्लस प्लस इस पर आवेश है पूरी रिंग पर। एक समान है माने कहीं ऐसा नहीं है, कहीं ज्यादा हो कहीं कम ऐसा नहीं है, पूरी रिंग पे बराबर चार्ज है, पूरी रिंग पर बराबर चार्ज है। अक्ष की बात करें तो इसके अक्ष, यहां पर इसका एक्स होगा, एक्सेस होगा, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इस रिंग की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, ये डिस्टेंस एक्स है, और इसको हमने यहां से मिला दिया। इस पॉइंट को हमने छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पर ये बहुत छोटा पॉइंट है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो डी क्यू है। इस जगह का जो रिंग है, इस रिंग का जो छोटा सा एक कंपोनेंट हमने लिया है, इसका जो, इस पर जो चार्ज है पूरे पे तो क्यू है, और इस पर एक स्मॉल चार्ज है डी क्यू। अब हम बहुत सारे, अगर हम डी क्यू पूरे 2πr के लिए लें, क्योंकि पूरी सरकमफ्रेंस, पूरी इसकी परिधि रिंग की 2πr होगी, तो 2πr बार डी क्यू जोड़ा जाएगा, तो टोटल डी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू। माने अगर हम कहें कि डी क्यू अगर सब कलेक्ट कर लें हम, तो वो क्यू के बराबर होगा। अब इस डिस्टेंस को हमने एक्स कह दिया, इसको कैपिटल आर, तो इसको हमने कह दिया आर स्मॉल आर। यहाँ से एंगल थीटा बनना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा दूर को जाती है, अवे होती है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर चली जाएगी, इसको हम डी कहेंगे। इस डी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इस कंपोनेंट को हम कहेंगे डी कॉस थीटा, और ये वाला हमने कंपोनेंट करना आपको सिखाए थे, ये कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ऐसे ही फिर हम जब ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को चली जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को चली जाएगी, इस तरह से ये हो जाएगी डी, इसका फिर एक कंपोनेंट इधर आएगा, फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर को जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये वाला चूंकि इसका एक कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो इधर आने की वजह से फिर से वो कंपोनेंट इसी में ऐड हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट यहाँ से कंसीडर करेंगे, तो ये जितने भी वर्टिकल बनेंगे, ऐसे बहुत सारे वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर वर्टिकल रिंग बनेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि वो बराबर होंगे और अपोजिट होंगे। भाई ये इक्वल तो हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा डी साइन थीटा। लेकिन ये जो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे, वो सब ऐड हो जाएंगे, सब एक दूसरे में जुड़ते चले जाएंगे, कितनी बार जुड़ेंगे, 2πr पूरी रिंग के लिए यहाँ ऐड हो जाएंगे।
ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इस तरह से ये भी थीटा होगा क्योंकि ये लाइन गई और एक लाइन ये गई तो ये भी थीटा होगा। ये आर है तो ये भी आर होगा क्योंकि रेडियस ही सेंटर पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? यहां से हम ये 90 होगा, यहां से हम इस आर को निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। ट्रायंगल, इस पॉइंट को हमने पी मान लिया, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, ट्रायंगल ए ओ पी में। ट्रायंगल ए ओ पी में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें मालूम है आर है, लंब लंब ये आर स्क्वायर हो गया, आधार को हमने एक्स स्क्वायर मान लिया, तो आर स्क्वायर बराबर ये आ गया। आर स्क्वायर बराबर वैल्यू जो आई वो आ गई, आर स्क्वायर बराबर आ गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हटा दें तो इस पे लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो फिर से सुनिए, ये जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि बराबर हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और ये चूंकि एक डायरेक्शन में आ रहे हैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सभी एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्षैतिज घटक एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए वो सब ऐड हो जाएंगे। तो टोटल अब ये इलेक्ट्रिक डी होगा कितना? अब डी चलो निकालते हैं, तो डी होगा के क्यू, तो के क्यू नहीं लेंगे डी क्यू लेंगे, क्यों? क्योंकि जो चार्ज कंपोनेंट है वो बहुत छोटा है तो डी क्यू लिया। अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर इसका स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर को चलेगी, ये डिस्टेंस लेंगे। हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, डी की वैल्यू रख सकते हैं। चल यहां अब मैं अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं तो कितना आएगा? अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा तो इसमें कॉज अटैच हो जाएगा, तो चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं के डी क्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे निकालना है ई नेट, तो ई नेट कैसे निकलेगा? इसका सम कर लेंगे, सम करने से निकलेगा किसका इंटीग्रेशन करेंगे? डी कॉस थीटा का, डी की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू क्या है? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो गया और कर्ण हो गया ये, कॉस थीटा बराबर आधार, ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाए एक्स वाई आर, कॉस थीटा बराबर हो जाए एक्स वाई आर, एक्स वाई आर, आर लिख सकते हैं, आर की जगह ये भी रख सकते हैं, तो हमने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन मानेंगे और इसकी पावर मानेंगे हाफ, क्योंकि ये रूट का मतलब हाफ, तो 3/2 पावर हो जाएगी, तो टोटल पावर हो जाएगी के एक्स, टोटल पावर हो जाएगी डी क्यू हमने यहां लिख दिया, और ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। ये हो गया हमारा ई नेट, सब कांस्टेंट है क्योंकि के ये कुछ ये डिस्टेंस कुछ बदलेंगे नहीं, सब बाहर आ गई, तो ई नेट बराबर आ गया के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी क्यू। डी क्यू इंटीग्रेट कर दिया, सब जुड़ गया, तो टोटल कितना चार्ज है क्यू, ये डी क्यू ऐड होकर क्यू बन जाएंगे, तो ई नेट आ जाएगा के क्यू एक्स, ये क्यू बन जाएगा तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब अगर हम यहां अक्ष यहां निकालें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फार्मूला बन गया अक्ष के लिए, फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले से हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर,
ई नेट एट सेंटर पॉइंट ओ, सेंटर पॉइंट ओ पे निकालेंगे, तो ओ पे निकालेंगे तो ये एक्स क्या हो जाएगी, एक्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स छोटा होगा फिर और छोटा होगा फिर और छोटा होगा फिर और छोटा होगा और छोटा होगा, तभी तो सेंटर पे जाएगा ना। तो ये पॉइंट कहाँ ले जाना है, सेंटर पे ले जाना है, तो एक्स का मान जीरो हो गया, तो एक्स जैसी जीरो होगा तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर जीरो रखते ही यहाँ सब जीरो, ई नेट जीरो हो गया। अगर हम इनफिनाइट पे निकालें, अनंत पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पे कैसे निकालेंगे, इन्फिनाइट पे जब निकालेंगे तो एक्स जो है, एक्स जो इतना बड़ा हो जाएगा कि एक्स के कंपैरिजन में ये आर बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट पी बहुत दूर चला जाएगा, तो एक्स के कंपैरिजन में ये आर कैसा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो एक्स जो है वो बहुत ग्रेटर देन हो जाएगा आर से। उस स्थिति में क्या होगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा, ई नेट हमारा पॉइंट हो जाएगा, आर को हम छोड़ देंगे भाई, एक्स के कंपैरिजन में आर बहुत छोटा हो जाएगा तो आर को छोड़ दिया जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन ये आर छोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स कैंसिल, तो ई नेट बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस रिंग से बहुत दूर चले जाएंगे तो ये जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, यानी कि रिंग पॉइंट चार्ज बन जाएगी, जो रिंग है उसका जो व्यवहार है वो पॉइंट चार्ज की तरह हो जाए। तो ये किसके लिए आता है, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही था। लेकिन इन्फिनाइट पे अगर आप रखेंगे इन्फिनाइट तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स का नेक्स्ट डेरिवेशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला नेट टॉर्क, नेट टॉर्क ये हमारा आज का टॉपिक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला नेट टॉर्क निकालेंगे, माने नेट टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और कहीं पर कम, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा है, बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, हर जगह बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह, माने सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, बराबर है। जितनी फील्ड लाइन यहाँ पर डेंस है वहीं उतनी ही डेंस यहाँ है, ये हो गया ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है, एक डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल बना लिया हमने। और डाइपोल की क्या खासियत होती है, इसका एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक एक एंड पॉइंट इसका पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड पॉइंट नेगेटिव होता है। इस एंड पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा है और इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, कितना होगा, क्यू ई फोर्स लगेगा।
अब इसका जो सेंटर एक्सिस पॉइंट होगा वो ये होगा, माने ये रोटेट कर सकता है ना, जब एक फोर्स इस पर, एक एंड पॉइंट पर फोर्स इधर लगेगा और एक एंड पॉइंट पर फोर्स इधर लगेगा, तो जा रही है ऐसे रोटेट कर जाएगा। और इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जो ये फोर्स के जो जिस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लग रहा है वो उनके अलग है ना। देखो ये फोर्स का लाइन ये जा रहा है और इस फोर्स का लाइन ये जा रहा है, तो दोनों पैरेलल हुए लेकिन एक ही लाइन पर थोड़ी आ रहे हैं, तो इसलिए क्या, ये रोटेट कर जाएगा। तो ये रोटेट कैसे करेगा, ये रोटेट इस डायरेक्शन में करेगा, क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की दिशा में ये रोटेट कर जाएगा। यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से एंगल निकाल सकते हो आप, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस सेंटर ऑफ एक्सिस पॉइंट से भी ये थीटा एंगल बनाएगा। यहाँ से हम इसकी वर्टिकल लेंथ ले लें, ये एल है तो ये भी एल होगी क्योंकि पूरी लेंथ 2L होती है, ये ए पॉइंट है तो ये क्या होगा, बी पॉइंट होगा, ये थीटा, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम ट्राइंगल ले लें, यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं पी, ए बी सी डाल दे रहे हैं, तो ट्राइंगल ओ बी सी में, यहाँ पर निकाले हैं ट्राइंगल ओ बी सी में, ट्राइंगल ओ बी सी में, ट्राइंगल ओ बी सी में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, लंब हो गया ये, हो गया लंब, लंब ये निकालना है, लंब का नाम हो गया बी सी, कर्ण हो गया एल, तो बी सी बराबर क्या हो गया, एल साइन थीटा, बी सी बराबर क्या हो गया, एल साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार से हम ये डिस्टेंस भी, ये वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लंबा दूरी निकालना होती है ना, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी आएगी, ये भी 90 होगा, यहाँ ऐसे ये 90 हो गया, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस ये वाली निकालेंगे, तो ये भी तो एल साइन थीटा आएगी, तो ये कितनी आ गई, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगी। यानी कि इसी प्रकार अगर मैं यहाँ डी कह दूँ तो जो ए डी है, ए डी डिस्टेंस जो है वो भी इतनी ही आएगी, तो ए डी बराबर कितनी आएगी, एल साइन थीटा, दोनों डिस्टेंस हमें मिल गई। इस पर नेट फोर्स क्या होगा भाई, देखो ए इस पर लगने वाला फोर्स इधर और इस पर लगने वाला फोर्स इधर, दोनों को डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हुआ, एफ नेट हो गया 0, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे टाउ वन, टॉर्क को हमेशा टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ वन बराबर क्या हो जाएगा, एफ वर्टिकल डिस्टेंस डी, टाउ वन ऐसी रहेगा, वर्टिकल डिस्टेंस क्या क्यू ही रखेंगे, डी डी का मतलब कौन सी डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा है, तो यहाँ लिख देंगे एल साइन थीटा। इसी प्रकार टाउ टू निकालेंगे तो उसका हो जाएगा क्यू ई एल साइन थीटा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब इधर का है, इधर इस वाले के लिए क्यू ई एल साइन थीटा आया, तो इसके लिए भी क्यू ई एल साइन थीटा आएगा, तो टोटल टॉर्क कितना होगा, टाउ नेट कैसे निकलेगा, टाउ वन प्लस टाउ टू, टाउ वन का मान क्यू ई एल साइन थीटा, इसका मान भी क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई कॉमन है, क्यू ई एल साइन थीटा, या हम क्या करें जोड़ दें, डबल हो गया, एक जैसे हैं तो डबल हो गया, टू क्यू ई एल साइन थीटा, ये टाउ नेट हो गया, टू क्यू एल पी बन गया, तो ये हो गया पी साइन थीटा टाउ नेट, साइन आ रहा है हम क्रॉस में लिख सकते हैं, टाउ नेट बराबर इसे लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई, इसको हमने लिख दिया पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई लिख दिया। अगर हम इसी को लिखें वेक्टर फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं इस तरह से पी क्रॉस ई, ये एम्पलीट्यूड में लिख दिया, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हम मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा 0, 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर, थीटा जब, थीटा जब, थीटा कितना होगा 90 और 270, तब टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन दोनों पे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू इस पे क्या होती है, प्लस माइनस वन। इसी प्रकार जब मिनिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम
टॉर्क के लिए मिनिमम टॉर्क कब होगा? जब थीटा 0 और 180 होगा, क्योंकि 0 180 के लिए दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है साइन की। इस पर साइन थीटा क्या होता है? इस पर साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो मैक्सिमम टॉर्क आपको इन दोनों एंगल पे मिलेगा और मिनिमम टॉर्क इन दोनों पे मिलेगा। ये आपका नेक्स्ट डेरिवेशन हो गया। थैंक यू।